कटर सीधा ट्रोली में ही फेंकता है, काट करके गए, ट्रोली लगा रखी है भाई जी की सीधी। सारे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है एम सेखो ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाएंगे जेई का चार डलता हुआ, वो बहुत बड़ा फार्म है यहाँ पर। ये मक्की का और जेई का चार डालते हैं और इसके दिखाएं, पूछेंगे भाई जी से भी क्या क्या फ़ायदे हैं। उस पर ट्रैक्टर चल रहा है, जो कटर पे फार्म ट्रक 45 चल रहा है, और भैया से पूछते हैं क्या मॉडल है ये, क्या नहीं। भाई से बात करवाते हैं आपकी। राम राम भाई जी। और जी क्या नाम है जी आपका? पंडित जी। आपका जी? प्रमोद कुमार। आपका जी? अनमोल यादव। मोल यादव। आपका जी? गजेंद्र कुमार। गजेंद्र कुमार, कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से। ये कौन सा गांव है? खदाई चक। ट्रैक्टर आप ही चलाते हो? क्या मॉडल है ट्रैक्टर का जी? 18 मॉडल है। 18 मॉडल, साफ बहुत है ट्रैक्टर। संभाल रखी हुई आपकी पूरी? 43 हॉर्स पावर का इंजन है। ठीक है, 43 हॉर्स पावर का इंजन है इसका। 43। आप क्या कर रहे हो आज? बस चार पर आए जी। किस चीज़ का? जमी का। जेई का चार डाल रहे हो आप? इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जेई के चार के? इसका फायदा है सर, लेबर बच जाता है, खर्चा। ठीक है जी। फिर कुछ दाना जो है घट पड़ता है, कम पड़ता है दाना। सही बात है जी। दूध अच्छी देती है। दूध अच्छा देती है गाय, और गाय का बेटी भी सही बना रहता है, इससे ये फायदे हैं। और जैसे भूस डालते हैं उसके फायदे नहीं है कोई। सही बात है। करो चालू, आप दिखाते हैं जी आपको कटर चलता हुआ। ये देखो, ये कटर सीधा ट्रोली में ही फेंकता है, काट करके गए, ट्रोली लगा रखे भाई जी की सीधी, सीधा ट्रोली में ही जाता है ये। ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं है जी, बिल्कुल शांत चल रहा है। ये देखो, कम से कम ये 2-3 एकड़ का खेत है इसका, सारे का चार डाल देंगे ये। ये भाई जी का फार्म है यहाँ पर बहुत बड़ा, कम से कम मेरे हिसाब से 70-80 गायें होंगी। उसमें ये सैलेजी डालते हैं, इसे चार भी बोल देते हैं, इसे सैलेजी बोल देते हैं। मक्की का और जेई का ये ज़्यादातर डालते हैं। और आपको जेई दिखाता हूँ, ये इसमें बाल हुई है, ये पकी हुई आता दाना है इसमें। ये देखो, इसमें दाना बना हुआ है, दाने का दूध नहीं बन जाता जब ये इसका अचार डलता है जेई का, जब इस पर बाल आ जाती है। देखो कटर, टैट तो बहुत शांत चल रहा है, टैट पे कोई लोड नहीं है जी, टैट पे कोई लोड नहीं है, टैट तो बस बिल्कुल शांत चल रहा है, कोई लोड नहीं ले रहा ट्रैक्टर। ट्रोली पे जोड़ गए 36-30। ये फुल करके लेके जाएंगे ट्रोली। देखो भाई, ऊपर खींच रहे हैं, दबा रहे हैं इसे, फिर ट्रोली फुल करके लेकर जाएंगे यहाँ से। अब ट्रोली लगी दूसरी जगह, अब कटर लगाएंगे दूसरी जगह आगे, इससे वो पड़ा है इधर।
ट्रॉली हो गई है जी फुल, और 36-30 लेकर जाएगा ये। इसकी आपको हम गुल्ला दिखाते हैं जी। इसमें सरदार जी ने गुल्ली डाल रखी है बारीक सी, देखो खींच भी बेश हल्की है इसकी गुल्ली है सरदार जी। ये तो जी भाई जी की, ये देखो जी ऊपर भी देखो कुट्टी कैसे ऊपर आई हुई है इसकी, इतनी दूर गया था कट्टर कुट्टी, ट्रैक्टर के ऊपर कुट्टी कुट्टी हो रखी है जी। ट्रॉली हो गई जी बिल्कुल फुल, अब लेके चलेंगे ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर लेके चलते हैं जी। कोई फर्क नहीं है ट्रैक्टर को, अब कहाँ जहाँ ये चार डालते हैं वहाँ दिखाते हैं कितना बड़ा इनका चार का गड्ढा बना हुआ है। कर दी साइड चू कर दे, इधर आ गए ट्रैक्टर। भाई जी का फार्म है, ये गायें हैं, बहुत अच्छी अच्छी गायें रख रखी है भाई जी ने। ये यहाँ पर आके ढेर हो गया, ये बारिश हो गई थी इसकी वजह से ये ढक दिया था। और इधर है भाई जी के कबूतर, ये देखो कितने कबूतर रख रखे हैं भाई जी के शौक, आपको दिखाते हैं जी। देखो जी कितने बढ़िया बढ़िया कबूतर हैं, कितने कलर हैं। ये हो रही है ट्रॉली बैग जी, ये देखो ये पहले का डाल रखा है बारिश से, ये ढका हुआ था ना अब नंगा कर किया है ये। अब ये ट्रॉली यहाँ खाली हो जाएगी, फिर खाली होती दिखाते हैं आपको। ये देखो जी अच्छा उतर रहा है अब नियार, इसके बाद में ये ऐसा हो जाएगा ब्लैक ब्लैक सा। ये देखो ये ब्लैक हो रखा है पूरा, इसके कलर का इसके कलर का अंतर देख लो कितना है। ये दो दिन पहले का है, ये आज का है। राम राम जी सारे भाइयों को, सत श्री अकाल। एम सेकंड ब्लॉक में आप सब्सक्राइब जरूर करना, एम सेकंड ब्लॉक को प्यार देना, ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।